बेहतरीन, बहुत ही खूब। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अभी तबले की थाप का जो जादू आपने सुना वो कमाल है, एक कलाकार की अथक मेहनत का, जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ कलाकार पंडित राम कुमार मिश्र जी से। पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत, पंडित अनोखे लाल मिश्रा, पंडित छन्नू लाल मिश्रा, उन्हीं की विरासत को आगे ले जाने की सार्थक कोशिश का नाम है पंडित राम कुमार मिश्रा। सरल, सहज, मुस्कुराता चेहरा, उंगलियों की थाप में गजब की जादूगरी। बचपन से ही अपनी माँ श्रीमती मनोरमा मिश्रा से तबले की तालीम लेनी शुरू की। हालांकि पिता श्री छन्नूलाल मिश्रा ने गायकी के क्षेत्र में बेशुमार कीर्तिमान रचे, लेकिन बेटे पंडित राम कुमार मिश्र को तबले की थाप में वो सुख वो आनंद मिला कि बस इसी के होकर रह गए। माँ के साथ साथ उन्होंने अपने मामा पंडित छोटेलाल मिश्रा जी से भी बाकायदा शिक्षा ग्रहण की और मात्र 11 साल की उम्र से एक प्रोफेशनल के तौर पर जो पब्लिक परफॉर्मेंसेस का दौर शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। एक से बढ़कर एक कलाकारों के साथ आपको संगत करने का मौका मिला। कला को पूर्ण रूप से समर्पित पंडित राम कुमार मिश्र की खास शैली नादेन धिन्ना उन्हें औरों से अलग कर जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो तबला इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी जुड़े। उनकी उंगलियां तबले पर अटखेलियां करती हैं, तो लगता है जैसे तबले के बोल और मात्राएं स्वयं ही मंच पर उपस्थित होकर नृत्य प्रस्तुत कर रही हो। अपनी इस यात्रा में पंडित राम कुमार मिश्र ने देश विदेश में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दिए। उनकी इस कला साधना के लिए उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत स्वागत राम कुमार मिश्र जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत खुशी है आज आप हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। देखा जाए तो तबले की तालीम आपको अपनी माँ से मिली और आपके पिता, हम सब जानते हैं उन्हें, पंडित छन्नू लाल मिश्र जी, जो बहुत ही बेहतरीन गायकी की दुनिया से आते हैं जी, जी। लेकिन आप तबले की दुनिया में आ जाते हैं, ये कैसे होता है और गायकी की तरफ ना जाकर इसकी तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। मेरी तबले की जो यात्रा शुरू हुई, जैसा कि मैं बताऊँ कि मैं पहले गायन ही सीखता था पिताजी से और मैं उनके साथ परफॉर्म भी करता था मंच पे, लेकिन उन्हीं दौरान मैं फिल्म संगीत या कुछ भी रेडियो, उस समय रेडियो ही होता था, तो उस पर कुछ गाने बज रहे हैं या मेरी माँ कभी कुछ ऐसा कुछ भजन गा रही है, तो मैं उनके साथ कुछ ठेका लगाता था।
तो मेरी माँ, जैसा कि वो पंडित अनोखेलाल मिश्र जी की बड़ी पुत्री हैं और अच्छा तबला उनको मालूम है, तो उस दौरान मैं फिर तबले में 7 साल की उम्र में मैंने तबला हाथ में लिया और मैं बजाना शुरू किया। जब आपने ये तय कर लिया कि तबले में ही मैं आगे बढ़ूंगा जी, तो फिर पंडित चन्नूलाल मिश्रा जी का क्या कहना था? नहीं, उनका तो था, उन्होंने तो माँ से कहा कि मैं इसको गाना सिखाना चाहता था और ये अभी तबले की तरफ जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी वो भी थे कि भाई मेरे बाद होता है कि भाई पिता कुछ कर रहे हैं तो उसको बेटा उस चीज़ को आगे लेके उस परंपरा को चले। लेकिन चूंकि मैं तबले में हो गया तो उन्होंने माँ से कहा फिर भाई तो तुम्हारे उसमें मतलब ये होता जा रहा है, तुम इसको तबला सिखा रही हो और ये तबला ही मतलब करना चाह रहा है, तो ये तो मतलब दूसरी विधा में जा रहा है। तो मम्मी ने कहा नहीं भाई, हमारी घर की ये भी एक बहुत बड़ी परंपरा, बहुत बड़ी परंपरा है ये हमारे घर की, कि मेरे नाना जी पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी इतने बड़े तबला महर्षि थे, तो उन्होंने भी फिर कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे संगत कैसे की जाए गायन के साथ, ये फिर उन्होंने बताना मुझे शुरू किया और कैसे रियाज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। चला तो बचपन बीता कैसे, सिर्फ रियाज में या कुछ खेलने को भी बिल्कुल, मिला? बिल्कुल जी, रियाज का तो ये था कि घर में संगीत है तो रियाज तो होता ही था। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था तो पतंग उड़ा रहे हैं, और मुझे सिनेमा फिल्म देखने का भी बहुत शौक था। लेकिन उस समय हमारी घर की जो आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि हम हर समय फिल्म चले जाएं या ऐसे चले जाएं, तो पिताजी को ये मालूम था कि इसको ये दो शौक हैं, तो कभी कभी मैं रियाज से कभी कभी कतरा जाता था, जितना वो चाहते तो उतना नहीं करता था। तो पिताजी मुझे कहते थे अच्छे से रियाज करो तो आते रविवार को मैं तुमको सिनेमा लेके जाऊंगा। अच्छा, तो उस लालच से कि मुझे अगले संडे को पिक्चर देखने जाना है, तो मैं रियाज बहुत मन से, बहुत जैसा वो चाहते थे वैसा मैं करता था। करते थे। बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपकी अपने घराने की बात करती हूँ। बनारस की जो शैली है वो काफी कठिन शैली मानी जाती है, तो कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे आपके यहाँ की बाज की जो तौर और तरीका है, और ख़ास तौर से जो शिक्षा आपको मिली, और उसको अगर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे तो मेरी ऑडियंस को और भी मज़ा आएगा। जैसा कि बनारस घराना जो है उसमें खुले बोलों का बहुत प्रयोग है, जैसे पखावज बजाते हैं उस तरह से बजाना, और तबले के मूलतः 6 घराने हैं, उसमें सबसे छठवां घराना बनारस का घराना है, लखनऊ से फिर बनारस में तबला आया। तो कहते हैं कि तबला बनारस में जब हुआ तो पूर्ण हुआ, उसके बाद कोई 7वां घराना नहीं हुआ। और बनारस घराने में क्योंकि डांस लखनऊ में नृत्य काफ़ी नृत्य से काफ़ी प्रभावित था, तो खुले बोलों का प्रयोग हुआ। और हमारे पंडित राम सहाय जी जिन्होंने बनारस घराने की नींव रखी, उन्होंने फिर ऐसे ऐसे बोलों का, खुले बोलों का प्रयोग किया कि एक अलग ही रूप इसका इस घराने का हुआ। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है ये, लेकिन इसका अलग ही रूप हुआ। और जैसा कि मैंने बताया 6 घराने हम स्वतंत्र तबला वादन करते हैं, तो बाकी के जो घराने हैं उसमें जो शुरुआत होती है तबला, स्वतंत्र तबला की, तबला वादन की, उसमें पेशकार। अच्छा, पेशकार मतलब आप कैसे उसको किसी चीज़ को कैसे पेश करते हैं, उससे उसकी शुरुआत होती है। लेकिन बनारस घराने में कि जो तबले की, स्वतंत्र तबला वादन की जो शुरुआत है वो उठान के साथ होती है। अच्छा, कि उसमें कैसे 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 तरीके से हम उसको उठान उठते हैं खुले बोलों के साथ में, यही है सबसे पहला, ये हो जाता है, यही अलग कर देता है। थोड़ा सा सुनाएंगे। जैसे किसी भी दिल्ली में तबला शुरू हुआ तो वो पेशकार से हुआ, इस तरह का शुरुआत हुआ। और बनारस का इस तरह का जो है वो वीर रस का तबला बोलते हैं। और बनारस की विशेषता में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कि बनारस की विशेषता भी है और मेरे घर की खास विशेषता है, वो है मेरे नाना जी का एक उंगली का नादिन धिन्ना। अच्छा जी, बताइए जी। जो कि वो उसके जैसा उन्होंने बजाया वैसा अभी तक नहीं हो पाया, मैं कोशिश करता हूँ उसको बजाने के लिए और जितना हो पाता है उनका आशीर्वाद। वो देखिएगा एक उंगली का नादिन धिन्ना, ये मैं इसको और फास्ट जितना फास्ट मैं कर सकता हूँ, ये डिपेंड करता है कि कितना रियाज है, कितना रियाज मैं करता हूँ। रामकुमार जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफर को देखा है, और
उन्होंने आपके साथ काफ़ी कार्यक्रम भी किए हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि आपने उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, तो उनको देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आशीर्वचन है आपके लिए, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। पंडित राम कुमार जी मिश्रा ऐसे अनोखे व्यक्ति हैं और इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है उतने उनका तबला वादन भी सुंदर है, बहुत ही अच्छा बजाते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उनकी एक खासियत है कि वो वाराणसी का घराना और एक खुद की अपनी जो वादन शैली है अति उत्तम है, और मैं तो बहुत ही उनको प्यार करता हूँ। सभी तबला वादक अच्छे हैं, लेकिन उनके में कुछ ऐसी बात है कि लगता है कि हम एक ही परिवार के लोग हैं। भगवान उनको, उनके परिवार को लंबी आयु दे। राम कुमार मिश्रा हमारे देश के तरुण तबला वादकों में अग्रगण्य हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि इतने वर्षों में जो मैं उनको देख रहा हूँ उनमें एक और बेहतर करने की एक जोश है कि मुझे और कुछ अच्छा करना है, कुछ और ठीक करना है, कुछ और बेहतर करना है, और ये मैं मेरे साथ कई वर्षों से वो बजा रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि उनमें ये जो चीज़ है उनको बहुत दूर तक ले जाएगी। हमेशा सीखने की एक उनके अंदर ललक है, और ये बनी रहे, और ये बहुत अच्छे तबला वादक हमारे देश में साबित होंगे, ऑलरेडी हो चुके हैं, और मुझे इनका बजाना और इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे देश में एक से एक अच्छे तबला वादक हैं, और उनमें एक नाम पंडित राम कुमार मिश्रा का भी है, जिन्होंने हमारे देश के बड़े बड़े मूर्धन्य कलाकारों के साथ संगत की है। मेरे साथ भी वो करीब 12 साल से अधिक हो गए संगत करते आ रहे हैं। उनकी संगत में एक अनोखी बात ये होती है कि वो कलाकार के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, हम उसको लॉकिंग बोलते हैं, उनका लॉकिंग बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ा उनका जो प्लस पॉइंट है वो है तेज़ गति में भी नाधिन दिन्ना। तो नाधिन दिन्ना के जो बोल हैं त्रिताल के, मैं समझता हूँ उनको विरासत में मिले पंडित अनोखे लाल जी से। वो जब तबला बजाते हैं मेरे साथ में तो मुझे बहुत एक कंफर्ट लेवल महसूस होता है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हैं, बहुत अच्छी संगत है। उनको मेरी बहुत 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 बधाई। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे एरा में, ऐसे वक्त में मेरा जन्म हुआ कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे ऐसे महान विभूतियों के साथ में, न उनको सिर्फ देखने का बल्कि उनके साथ काम करने का मौका मिला हो। और पिछले करीब 20 सालों से, 25 सालों से मैं इनके लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ। राम कुमार मिश्रा जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि फिर बनारस से दिल्ली आना कैसे होता है, और जो हम कहते हैं ना स्टेज परफॉर्मेंसेस का दौर, साथ ही आकाशवाणी और रेडियो से जुड़ने का दौर, कब और कैसे होता है? सबसे पहले तो रेडियो से आपको मैं बताऊँ, 1983 में मैंने रेडियो का ऑडिशन दिया और मैं उसमें पास हुआ। उस वक्त बनारस में रेडियो स्टेशन नहीं था, हमारा जो प्रसारण केंद्र था वो इलाहाबाद था। अच्छा। तो हम इलाहाबाद जाते थे, वहाँ हमारी रिकॉर्डिंग होती थी, वो बजता था। तो 83 में मैं रेडियो और दूरदर्शन से जुड़ा हूँ, और तब से लेकर अब तक मैं रेडियो और दूरदर्शन के लिए बजा रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया बहुत छोटे से थे तब से शुरू हो गया था, लेकिन फिर जो उससे हम कहते हैं बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस होता है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, जहाँ बड़े बड़े महारथी बैठे होते हैं, और वहाँ राम कुमार मिश्र जी को स्टेज पर पिताजी के सामने बजाने का मौका मिलता है, वो मौका कब आता है? ऐसे तो पिताजी के साथ मैंने, हमारे बनारस में एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीत सम्मेलन होता है एक हफ्ते का, संकट मोचन संगीत समारोह। अच्छा। उसमें जो है मैंने पहली अपनी जो शिरकत करी पिताजी के साथ ही करी, और सोलो वादन भी किया। ये बात है 1975 की। अच्छा। मेरे 11 साल की उम्र में मैंने वहाँ उसमें उस सभा में पहली बार बजाया। मेरा पहला जो विदेश जाना हुआ था वो 1988 में रशिया में गया था। अच्छा, क्या मौका, क्या फेस्टिवल था? वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था। अच्छा। उसमें मैं डॉक्टर राजम जी की बेटी संगीता शंकर उनके साथ में गया था, और हमने करीब 15 प्रोग्राम हमने वहाँ पे दिए। जी, वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया उस वक्त ग्रुप के हिसाब से पूरा एक साल का वो था। फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ना पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ में, फिर पंडित विश्वमोहन जी के, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित जसराज जी, तो ऐसे ऐसे लोगों का मुझे आशीर्वाद हनुमान जी के दरबार से मिला। इन गुणी जी लोगों से आपको क्या लेसन मिला खास, जो आप
यंग जनरेशन के साथ शेयर करना चाहें? इन लोगों के साथ मैं रहता हूं और मैं अभी भी इनकी एक एक चीज़ों को देखता हूं, बहुत बारीकी से देखता हूं, इनका बोलना, इनका उठना, इनका कैसे इनका दिनचर्या है, कैसे इनकी दिनचर्या है, क्या करते हैं, इससे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। संगीत तो ही है, देखिए अपनी जगह पर संगीत तो ही है, लेकिन ये और समय में ये क्या कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग देखिए संगीत के ये लोग महर्षि लोग हैं, मेरे पिताजी हैं ये पंडित जी, जसराज जी, शिव जी, पंडित जी और पंडित हरिप्रसाद जी, ये लोग कैसे इनका क्या है, कैसे इनका ये कैसे इस तरह से यहाँ आए, मैं उसको काफ़ी करीब से जानने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, बड़े लोग पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित जसराज जी, इन लोगों के साथ जुड़ने का जो स्थान और माध्यम है वो हनुमान जी रहे हैं और उनका संकट मोचन का दरबार ही रहा है। अच्छा, मेरा पहला परफॉर्मेंस पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ में 1996 में हुआ, जो कि संकट मोचन मंदिर में हुआ। पंडित जसराज जी के साथ में भी 1995 में मैं पहली दफ़ा मंदिर में ही बजाया, तो वहाँ से ये मैं मानता हूँ कि हनुमान जी का ही आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है कि ऐसे ऐसे लोगों का साथ मुझे उन्होंने, और इतने बड़े फेस्टिवल से जहाँ पर 8-10 हज़ार लोग बैठे हैं। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और इसमें पिताजी भी हैं, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें। आइए देखते हैं। जी सर, जय हो। मैं हमारे बड़े बड़े प्यारे कलाकार पंडित राम कुमार जी मिश्रा, उनके नाना जी बहुत ज़बरदस्त तबला वादक थे, पंडित अनोखीलाल जी। और बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि राम कुमार जी को जो तबला सिखाया उनकी मातोश्री ने सिखाया, उनकी माताजी ने सिखाया, इस ऐसा तबला नवाज कोई हुआ ही नहीं जिसकी माँ ने जिसको तबला सिखाया। और इतना प्यार से बजाते हैं, इतना सुंदर बजाते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है उनके तबले में, हर पहलू को देखते हैं। भगवान उनको और नवाजे और नवाजे और नवाजे। चाहे राम कुमार मिश्रा हमारे भांजे हैं और बहुत ही होनहार तबला वादक हैं। हम राम कुमार के लिए पूरी शुभकामना, पूरा हृदय से आशीर्वाद रखते हैं और चाहते हैं कि वो पूरे विश्व में बनारस का नाम रोशन करें और घराने का नाम रोशन करें। राम कुमार मिश्रा बहुत ही हमारे प्रिय हैं और इतने बड़े ख़ानदान से हैं, पंडित अनोखेलाल मिश्र जी के नाती हैं, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों को है और ईश्वर करे वो खूब खूब नाम करें, अपने नाना जी की तरह अमर हों, यही हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राम कुमार मिश्र जी हमारे बेटे हैं, 15 वर्ष की उम्र से हमारे साथ तबला संगत कर रहे हैं और हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये तबला बजाते हैं और सभी लोग इनके तबला संगत का और इनके तबले की मिठास का और इनके स्वभाव का तारीफ करते हैं और ऐसे ही इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ये हमारा आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे जी? जैसा कि मैंने कहा कि मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मुझे ऐसे 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 लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है और घर में संगीत और पिताजी का इतना आशीर्वाद है मुझे, तो बस ऐसे उनका आशीर्वाद, ऐसे जितने भी ये लोग दिग्गज लोग हैं इनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है जब एक कलाकार परिवार से आप आते हैं? तो जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, जैसे कि मैंने तबले को चुना और तबले में चूँकि मेरे नाना जी इतने उस एरा के बहुत महान तबला वादक, तबला महर्षि हुए, तो फिर वो जिम्मेदारी और आ गई कि ठीक है नाना जी का नानी निन्ना बहुत प्रसिद्ध है, मुझे उसको करना है, तो कैसे उसको करना तो है, ये तो है, लेकिन उसको मैं कैसे करके कैसे लोगों से उसकी दाद लूँ, ये बड़ी बात है कि ठीक है नानी निन्ना मैंने कर लिया, लेकिन उसको इस मकाम तक पहुँचाना है कि उसमें लोगों मेरी तारीफ करें। सही, सिर्फ नानी निन्ना बजाने से नहीं होगा, उसकी तारीफ मुझे लेनी है लोगों से, इसके लिए मुझे उसको कितना प्रयास, कितना रियाज मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने नाना जी को देखा नहीं, मैंने सुना है कि वो 16-16 घंटे रियाज करते थे, तो उस 16 घंटे के रियाज को मुझे कैसे कैसे करें कि क्या करें कि मुझे भी लोग कहें कि हाँ थोड़ी सी झलक, वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा जो वो करके चले गए, लेकिन उसकी अगर मैं 1% भी उसकी झलक मेरे तबले में अगर आती है
तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशनसीबी होगी मेरी, तो मैं कोशिश करता हूँ, तो ये जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत से वादकों ने अपना एक रिदम ग्रुप बनाया, फ्यूजन बैंड बनाया, बहुत अलग अलग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, कोई ख़ास वजह इसके पीछे? जी, उसकी ख़ास वजह यह है कि मुझे तो ऐसा अवसर कई दफ़ा आया कि मैं रिदम का ग्रुप बनाऊं या कहीं फॉरेन में जाके मैं सेट हो जाऊं वहां पे, ऐसा मुझे कई अवसर आए मुझे, लेकिन मेरा जो मानना है अपना व्यक्तिगत, कि मैं अपना हर प्रोग्राम आज भी रिकॉर्ड करता हूँ, कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करूँ हर एक प्रोग्राम को, उसके कार्यक्रम के बाद मैं उस प्रोग्राम को सुनता हूँ और उसके बाद उसमें देखता हूँ कि कहाँ उसमें और अच्छा किया जा सकता है या कहाँ मेरे से गलती हुई है या उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, फिर मैं उसमें लग जाता हूँ कि चलो अगली प्रस्तुति इस कलाकार के साथ मुझे करनी है तो अगली दफ़ा मैं और इससे बेहतर देने की कोशिश करूँगा। तो जब एक ऐसी सोच, जैसे कि मैं आपको एक और बताऊँ कि तबले में सोलो भी बजता है और सोलो वादन हम लोग भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मुख्यतः मेरा मानना है कि तबला संगत का वाद्य है, इसमें मुख्यतः संगत ही होता है, तो जब संगत इसमें मुख्य होता है तो क्यों ना हम उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, क्यों ना हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इसीलिए तो आपने बैंड नहीं किया, और वही जब मैं अपने प्रोग्राम को सुनता हूँ, उससे उसको रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, फिर उससे जो सीखता हूँ, फिर अगली बार जो कैसे उसको अच्छा बेहतर कर सकूँ उसकी तैयारी करता हूँ, तो देख वक्त ही नहीं मिलता, मैं आपको सच बताऊँ। ऐसा तो नहीं कि आपको फ्यूजन या इस तरह के काम पसंद नहीं है, इसलिए आपने काम नहीं मुझे जोड़ा। पसंद है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब इसी में इतना कुछ करने को है, हाँ। देखिए अगर मैं पूरी तरह से अगर संगत में अच्छे से अगर संगत के ऊपर ही ध्यान दिया जाए तो इतने सारे जो मेलोडियस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या वोकलिस्ट लोग हैं, अगर उनके साथ में बहुत अच्छे से और काम हो सकता है। अच्छा, जब आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं जी, तो जिसे हम कहते हैं सोलो कॉन्सर्ट्स जब होते हैं, तो उसमें आप क्या बजाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए सोलो वादन में तो पहले तो अपने घराने की कुछ विशेषताएं हाँ। बताइए आप, फिर जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो सारी चीज़ें, हमको एक घंटे का समय मिलता है आजकल, एक घंटे सवा घंटे का, अब आजकल तो बहुत सारे बड़े शहरों में 10 बजे के बाद हॉल बंद हो जाता है। पहले तो रात रात भर संगीत सम्मेलन होते थे, हमने भी सुना है रिम्पा संगीत समारोह, संकट मोचन जैसे सवाई, लेकिन अब सब जगह पे ये हो गया कि 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। फिर हमें वो सेलेक्ट करना पड़ता है कि उसमें से कौन कौन सी खास चीज़ें जो कि खास भी हों और खूबसूरत भी हों। तो एक खास और खूबसूरत चीज़ हमारी ऑडियंस के लिए। जी ज़रूर, मैं आपको बनारस का एक बहुत खास बांट है उसको सुनाता हूँ, धीग धीना त्रिगड़ धीना धागी नाधिक धीनाड़ा। कुछ खास चीजों को लेकर के हम उसमें से बनाते हैं कि नहीं हमको एक घंटे या सवा घंटे की प्रस्तुति करनी है, तो ऐसे ऐसे चीजों को ले जिससे कि हमें तादाद मिले। हाँ, इसके लिए ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं, सुनने में भी अच्छी कर्णप्रिय हैं, खूबसूरत चीजें हैं, उनमें रियाज की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा जी, तो उसका रियाज फिर उस ढंग से हम करते हैं, वैसे अपनी प्रस्तुति को ऐसा लाइनअप करते हैं बनाते हैं। तो ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप वक्त ब वक्त बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं, तो जो युवा जन आपके पास आते हैं तो जिज्ञासा के जो पहलू होते हैं वो किस तरह के होते हैं, खासतौर से तबला वादन को लेकर? तबले के प्रति लोगों का, जो नए लोग आ रहे हैं युवा, उनका रुझान बहुत होता है, अगर उसके प्रोफेशनली भी देखें तो इसमें तबले में स्कोप ज़्यादा होता है। हम किसी भी तबला वादक के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी सम्मेलन में हर साल अपनी शिरकत दे सकते हैं, बिल्कुल, किसी न किसी आर्टिस्ट के साथ में, तो इस वजह से भी तबले में स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन क्या होता है कि 20 स्टूडेंट अगर आ गए उसमें से कुछ इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन वो अंदर से ये जिज्ञासा लेके आते हैं कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, शायद मैं बहुत जल्दी 6 महीने में 8 महीने में स्टेज परफॉर्म करने लगूंगा, तो ये जिज्ञासा लेके जो आते हैं वो फिर बहुत जल्दी चले भी जाते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, रियाज करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा ढंग से बैठ करके। फिर 20 में से अंत में 4-5 ऐसे रह जाते हैं जो कि वाकई सीखना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, और जिनके में भगवान ने कुछ टैलेंट दिया है। तो चलते चलते आपके पसंद का एक गीत जरूर हम जान लें, ताकि आपके हम अपने ऑडियंस को सुना सकें कि आपको ये गीत बेहद पसंद रहा है। देखिए गीत तो मुझे, मैं किशोर कुमार जी का बहुत अच्छा फैन हूँ, अच्छा, तो उन्हीं का एक सारे गाने, तो एक गाना मैं आपको एक लाइन गुनगुनाऊंगा जी जी, वो फिल्म आंधी से, तुम आ गए हो नूर आ गया है, तुम आ गए हो नूर आ गया है।
खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। के हम तक तुम्हारी दुआ आ रही आप शख्सियत में आज तशरीफ लाए पंडित राम कुमार मिश्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद समीना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।